नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे मंगल का सिंह राशि में 30 जून की रात्रि से प्रवेश हो रहा है, जो कि 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे। मंगल के सिंह राशि में आ जाने से किन राशियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी खास राशियों के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जैसा आप सभी जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड सिल्वर निफ्टी निफ्टी बैंक क्रूड ऑयल का दैनिक वीकली मंथली प्रेडिक्शन दिया जाता है, और इसके साथ आप जो हैं रिपोर्टें प्राप्त कर सकते हैं, कब मार्केट अप डाउन हो सकता है इसकी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर आप ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि इस वीडियो में मंगल का प्रभाव क्या रहेगा, कैसे मंगल और शनि सम सप्तक योग बना रहे हैं, इनका क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, मंगल जो है 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल एक अग्नि राशि तत्व है और सिंह भी अग्नि तत्व की राशि है, ऐसे में सिंह राशि में मंगल का आना और अधिक उग्र उसको बना देगा, और इसके प्रभाव से मंगल क्योंकि सिंह राशि में आ रहे हैं और शनि पहले से ही कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के आमने सामने हो जाने से सम सप्तक योग का निर्माण हो रहा है। और कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं, शनि इन दिनों बकरी अवस्था में चल रहे हैं, तो ऐसे में मंगल शनि के आमने सामने आ जाने से देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं, जन धन की हानि और इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के संकेत होने के योग मिलते हैं। इसके साथ शनि मंगल जब आमने सामने रहते हैं तो सम सम तक योग बना करके कुछ खास राशियों को परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आगे आपको बतला रही हूँ। तो सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि के जो हैं मंगल और शनि आमने सामने हैं, यानी कि मेष राशि में यदि हम देखते हैं तो पंचम में मंगल रहेंगे, लाभ में शनि का योग है, दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो इसका फल जान सकते हैं तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। इसके साथ जो है पेट संबंधी समस्याएं से आपको गुजरना पड़ सकता है, खाने पीने पर आप विशेष ध्यान रखें और साधारण भोजन आदि करें तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा, तेल मसाले के भोजन से आप दूर रहें, यात्राओं में सावधानी रखें और जो आपके पारिवारिक जो जीवन है इसमें भी कुछ वाद विवाद की संभावनाएं देखने को मिलेंगी, तो ऐसी स्थिति में जो है आप धैर्य का उपयोग करते हुए रहेंगे तो आपकी समस्याएं जो है दूर होंगी। धन की हानि के योग बन सकते हैं, धोखे की संभावना बन सकती है, विवाद बढ़ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि हम देखते हैं जिस पे मंगल शनि का प्रभाव विशेष देखा जा सकता है, वह राशि आती है कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए जो है शनि, और क्योंकि शनि अष्टम में है, मंगल द्वितीय भाव में आ रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप कड़वी वाणी बोलेंगे, खराब बोल बोलेंगे तो यह आपके लिए हानि का संकेत बन सकती है। आप अपनी जबान पर काबू रखेंगे तो आप अनेक प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं, कहा क्योंकि एक मौन हजार बला को टालता है, यह बात आपको जो है 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के बीच में याद रखनी पड़ेगी, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, पारिवारिक रिश्ते में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, और इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक रहेगा, लेकिन मंगल शनि की युति आमने सामने सम सप्तक योग बनने से शुभ फलों की जो है हानि होती है। अगली राशि का हम विचार करेंगे तो आती है आपकी कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए जो है शनि छठवें भाव पे हैं, मंगल बारहवें भाव में हैं,
इस स्थिति में आर्थिक स्थिति का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आपको जो है आर्थिक हानि के विशेष योग बनेंगे, पैसा अधिक खर्च होगा। कोई भी निर्णय आप लें तो बहुत ही सोच विचार कर करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और थोड़ा समय का इंतजार करेंगे, जल्दबाजी ना करें किसी भी कार्य में तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि शनि छठवें भाव में है और मंगल बारहवीं में है। यात्राओं से परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं। वाहन आदि सोच विचार के सावधानी से चलावें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनाव से दूर रहें। और इस प्रकार से आप ये सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि आती है आपकी मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए यदि हम मंगल का प्रभाव देखते हैं तो मंगल शनि द्वितीय भाव में है और मंगल अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम के मंगल भी जो है परेशानियों को उत्पन्न करने वाले होते हैं, खर्च को बढ़ाने वाले होते हैं, सुख सुविधाओं की हानि कर देते हैं। वाहन आदि के कार्य जो भी आप करें उनमें बहुत ही सोच विचार के कार्य करें। शारीरिक कष्ट का योग बन सकता है। इसके साथ जो है घर परिवार में अशांति देखी जा सकती है, इसलिए परिवार के लोगों से लगाव वो कम रखें, यानी कि सावधानी रखेंगे तो वाद विवाद की संभावना नहीं बनेगी। जितना काम हो उतनी ही बातें करना आपके लिए विशेष फायदेमंद सिद्ध होगा। और घर में या किसी बाहरी व्यक्ति के आ जाने से विशेष वाद विवाद जो है बढ़ सकता है इस दौरान, तो आप सावधानी जरूर रखें। धन लाभ के योग बनेंगे लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे के योग आपके लिए बनने वाले हैं। तो मकर राशि वाले लोगों को भी सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी 1 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक। अगली राशि हम देखेंगे आती है आपकी मीन राशि। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर हो रहा है तो मंगल बारहवें भाव में है और मंगल छठवें भाव में आ रहे हैं मीन राशि के, और शनि जो है बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य पूरे होने में आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन संघर्ष और मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। और विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में छवि अपनी सुधारने के लिए विशेष मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सहयोगी कर्मचारियों से प्रेम से आप अपना काम निकलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण जो आपके अंदर अहंकार देखने को मिलेगा उसके कारण आपके कार्यों पर असर पड़ेगा और कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, तो इस बात को विशेष ध्यान में रखें। और नकारात्मक प्रभाव जीवन में दिखाई देगा लेकिन इससे दूर रहें, तभी आप जो है सफल हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह था इन खास राशियों पर जो मंगल भारी पड़ सकता है, ये राशियां हैं। लेकिन यह राशिफल मैंने आप लोगों को बतलाया है, लेकिन विशेष सूक्ष्म गणना हमें अपनी जन्म पत्रिका से करवानी चाहिए। यह बात आप विशेष ध्यान में रखें। मंगल को बलवान और मंगल के शुभ फल लेने के लिए जो है छोटे बच्चों को जो है मीठी वस्तुओं देनी चाहिए, या फिर आप गाय को गुड़ रोटी जरूर खिलाते रहें। ऐसा करने से मंगल के सुप्रभाव देखने को मिलते हैं। और ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप आप करेंगे तो मंगल के जो है दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।